प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करते हैं और पुलिस प्रशासन को भी महिला अपराध रोकने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावे वादों की हवा कैसे यूपी पुलिस निकाल रही है हम आपको दिखाते हैं। ताजा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र का है, जहां न्याय न मिलने पर एक महिला ने एसएसपी मुरादाबाद के ऑफिस के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। पीड़ित महिला ने पंजाब केसरी टीवी संवाददाता सागर रस्तोगी से बात करते हुए बताया कि एक महीने पहले वरुण गुप्ता मुझे उधार पैसे देने के बहाने कमरे में ले गया और जबरदस्ती कर मेरे साथ दुष्कर्म किया। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे वादे करते हूँ और महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नई से नई योजनाएं बनाते हूँ, मगर मैं आपको बता दूँ जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला में बेहद हैरान करने वाला मामला आया है। आपको बता दूँ एक महिला को 40,000 रुपये उधार देने के नाम पर लगातार बलात्कार किया गया। न्याय के लिए वो महिला लगातार मझोला थाना, कभी एसएसपी, यहाँ तक कि उन्हें हर अधिकारी को न्याय पाने के लिए गुहार लगा दी, मगर न्याय न मिलने के कारण मैं आपको दिखा दूं, ये मुरादाबाद का एसएसपी ऑफिस है, यानी कि मुरादाबाद के जो कप्तान है एसएसपी पुलिस, उन्हीं के ऑफिस के सामने वो महिला, इधर देखिए, इधर ठीक ऑफिस के सामने धरने पर बैठी है कि उसे न्याय मिले और उसे न्याय मिले, आरोपी के खिलाफ एफआईआर हो। अब देखते हैं कि पुलिस एफआईआर करेगी नहीं। क्या नाम है आपका? रीता शर्मा। रीता शर्मा, कहाँ बैठी हैं आप? मैं डीआईजी साहब के ऑफिस के सामने। ये कप्तान कप्तान साहब के ऑफिस के सामने। क्यों क्यों बैठने का कारण क्या है? मैं वरुण गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए बैठी हूँ। क्यों वरुण गुप्ता की गिरफ्तारी क्यों चाहती हैं आप? क्योंकि उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, बलात्कार किया है मेरा। क्या क्या पूरी घटना बताएंगे आप? जी पूरी घटना मैंने हर किसी को बताया है, मैं आपको भी बता दूंगी। हाँ, मेरे क्या है कि पिछले महीने मैंने 20,000 रुपए मांगा था वरुण गुप्ता से। वरुण गुप्ता ने कहा कि ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे, आप मुझे मझोली थाने मझोली चौराहे पे मिल जाइएगा। मझोली चौराहे पे मिले तो वह कहने लगा कि आपको मिलन बिहार चलना पड़ेगा, वहाँ की जो कि मेरा ऑफिस है, वहाँ मेरा ऑफिस, वहीं से आपको पैसा मिल जाएगा। वहाँ मैं जाके देखती हूँ, वहाँ कोई ऑफिस नहीं, वहाँ नया बना हुआ मकान था, वहाँ नया बना हुआ मकान था, वहाँ जो कि एक तखत बिछा हुआ और तखत पे दड़ी बिछी हुई थी। उसने कहा कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं पहुँची, वो कहा पेपर साइन करो, मैं पेपर साइन करने लगी। पेपर साइन करते समय वो पीछे जाया, मेरा मुँह दबाया, मुँह दबा के अंदर मुँह में कपड़े घुस के 2-3 चाटे मारा और चक्कू की नोक पे उसने मेरे साथ दुष्कर्म करना चालू कर दिया। यहाँ तक मेरे कपड़े उपड़े उतारा और गलत काम कर लिया। गलत काम करने के बाद चक्कू की नोक पे कहता है क्या है, तू अपने बच्चों से कहेगी या थाने पे कहेगी, तुझे जान से मार दूंगा और यहाँ से तू चली जा, हो गए तेरे खाते में पैसे ट्रांसफर। कौन सा थाना? मझोला थाना। कितने दिन पुरानी घटना? जी 11 तारीख को शाम को 6 बजे मैं तुरंत गई मझोला थाने पे। इसी 11 को? नहीं, पिछले महीने 11 तारीख को। पिछले महीने यानी कि अगस्त से पहले की घटना है? जी 1 महीना हो गया इस घटना को। तो थाने पे क्या कहा? थाने पे वे बैठाए रहे, मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, मैंने अप्लीकेशन दे दिया। मेरी अप्लीकेशन 12 तारीख को 11:20 पे मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई है। मेरा मेडिकल भी 3:30 बजे मेडिकल कराया गया और फिर वरुण गुप्ता को रात में 11 तारीख को छोड़ दिया गया 50,000 रुपए लेकर, जो कि बिप्लव शर्मा ने पैसा लिए हैं और मेरा विवेचक ने पैसे लिए हैं। विवेचक का नाम? विवेचक का नाम क्या था? दया शंकर। क्या नाम था? अच्छा, क्या नाम था? जय शंकर जी। और ये बिप्लव शर्मा कौन है? बिप्लव शर्मा SHO है, जो थाना इंचार्ज है। आप कैसे कह सकती है कि उन्होंने 50,000 रुपए? अखबार में आया है जी, तभी अखबार में आया है, यहाँ तक वही 15-16 तारीख में अखबार में भी आया, आप देख सकते हैं पिछली बार का। तो क्या क्या चाहती हैं आप? मैं वरुण गुप्ता का गिरफ्तारी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कमाने खाने का जरिया खत्म हो चुका है, हम लोग बहुत परेशान है उसके डराने धमकाने से, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। सीधा सीधा मुरादाबाद पुलिस योगी सरकार के दावों और वादों की कैसे हवा निकाल रही है, तो आपने नमूना देख ही लिया कि एक रेप पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काट रही है, एफआईआर लिखी जाती है, आरोपी को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। अब देखना होगा कि योगी सरकार के फरमान की धज्जियां उड़ाने वाली इस पुलिस पर क्या कार्रवाई होती है।
अपने सहयोगी आलम के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।